हवा मुझसे कह रही है कि मैं भाजपा के पक्ष में तूफान बनने वाली हूँ। लोगों को समाजवादी पार्टी के समय का अपराध और भ्रष्टाचार भूल नहीं सकता, आतंकित किए हुए है। इस चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। राष्ट्र के मामले में तो हम उग्रता का ही बर्ताव करेंगे। हम राम के नाम को सांप्रदायिक नहीं मानते, क्योंकि राम राष्ट्र के पूर्वज हैं, राष्ट्र की पहचान है, राष्ट्र की आन बान और शान है। बीजेपी कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी मौजूद हैं। उमा भारती जी, आप लोगों के बीच पहुंच रही हैं, हवा का रुख क्या कहता है? हवा का रुख कह रहा है कि हवा मुझसे कह रही है कि मैं भाजपा के पक्ष में तूफान बनने वाली हूँ। तूफान लेकर आएगी हवा, हवा तूफान बन जाएगी, हवा तूफान बन जाएगी। आरजेडी और सपा का जो गठबंधन है पश्चिमी यूपी में, कितनी बड़ी चुनौती होगी? अभी दुनिया में क्या हो गया कि अभी 5 साल ही तो हुए हैं, लोगों को समाजवादी पार्टी के समय का अपराध और भ्रष्टाचार भूल नहीं सकता, आतंकित किए हुए हैं, और इसलिए उस वही पर्याप्त है कि ये लौट के नहीं आ पाएंगे। गठबंधन से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, इससे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? गठबंधन से लोगों को तो इससे फर्क पड़ेगा ना कि समाजवादी पार्टी के समय के क्या हुआ और हमारे समय पे क्या हुआ, इससे फर्क पड़ेगा। उमा जी ने अभी गब्बर का जिक्र किया, गब्बर कौन है? मैं किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनने कहा मुझे सपने में कृष्ण आते हैं, तो मैंने याद दिलाया कि सपने में लोगों को यहाँ पर अखिलेश के समय का वो राज याद आता है जब राम वृक्ष यादव ने एक पुलिस अधिकारी को जिंदा भून दिया था और सरेआम सड़क पर लड़कियों की इज्जत उतार ली जाती थी, सरेआम गायें काटी जाती थी, लोगों के मकान दुकानों पर कब्जे किए जाते थे, वो खौफ का मंजर याद आता है और लोग नींद में से उचट उचट के बैठ जाते हैं कि हे भगवान कहीं अखिलेश की सरकार ना आ जाए। ममता बनर्जी इस वक्त यूपी में हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल में खेला होबो कहा था और अखिलेश यादव कहते हैं खदेड़ा होबो, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? बंगाल की स्थिति अलग थी, उसमें कई कारण बने थे, उनको अभी भी राष्ट्रीय नेता के तौर पर अभी ममता दीदी का नेतृत्व तो स्वीकार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो स्मृति थी लोगों को वो इतनी ख़राब है समाजवादी पार्टी की सरकार की समय पे कि उनका कोई भी प्रचार कर लेगा, आप यकीन मानिए कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि योगी ने एक संत होकर के भी जिस प्रकार से अपने आप को साबित किया, जो विकास के काम किए, जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल किया और उनकी निजी जीवन की जो शुचिता है वो भारत की राजनीति में उसने एक आदर्श मापदंड स्थापित किया है और उसके साथ विधायकों ने भी मंत्रियों ने भी उस शुचिता के मार्ग का पालन किया और जिस प्रकार से कोरोना के समय पर संकट का सामना हुआ, अयोध्या के शिलान्यास के समय पर भी जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में शांति रही, ये सबको मिला करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, बहुत कम मतलब इनका दो नंबर पे भी नहीं आ पाएंगे, वो स्थिति सबकी बन जाएगी। एक एक असदुद्दीन ओवैसी, उमा जी क्या वो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे? उनके जो पिताजी थे मैं तो उनको भी जानती थी और पिता समान मानती थी, असदुद्दीन को भी भाई जैसा मानती हूँ, उन पर हमला हुआ वो बहुत शर्मनाक है और बहुत निंदनीय है, लेकिन यहाँ पर जो बात मैं कहना चाहती हूँ मैं TV9 को, मैं चाहती हूँ कि क्योंकि TV9 की एक रेपुटेशन है बहुत अच्छी आइडियोलॉजी को ठीक से प्रस्तुत करने की, फिलॉसफी को, हमें इस प्रदेश में जाति धर्म आधार के विभाजन को समाप्त करना है, हमें वर्ण व्यवस्था की ओर थोड़ी लौटाना है उत्तर प्रदेश को कि हम जातियों की गिनती करने लग जाएं, इसी प्रकार से हमें उस समय की ओर भी नहीं लौटाना है कि हम धर्म के आधार पर लोगों को चिन्हित करने लग जाएं, हम जो भी चिन्हित करेंगे वो लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर करेंगे, देश के लिए एक सही सिटीजन के रूप में वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं उसके आधार पर करेंगे, इसलिए मैंने तो तय किया है कि मैं इन विषयों पर बात ही नहीं करूंगी। अगर आपको याद हो तो मोदी जी ने कभी इन विषयों पर बात नहीं की, कल्याण सिंह जी ने कभी इन विषयों पर बात नहीं की, मैं भी जब उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी और फिर केंद्रीय मंत्री बनी मैंने कभी इस विषय पर बात नहीं की, बस ये है कि हम धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा नहीं देते, हम उग्र धर्म के भाव को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद को हम जरूर पूजन करते हैं, राष्ट्र के मामले में हम उदारता का बर्ताव नहीं कर सकते, राष्ट्र के मामले में तो हम उग्रता का ही बर्ताव करेंगे, इसलिए मैं इस तरह की बातें नहीं कर पाती हूँ। जो प्रश्न आपने किया है इसका उत्तर ही मुझे नहीं आ पाता है, आई कैन नॉट आंसर कि किस जाति का वोट किसको मिलेगा तो किस धर्म का वोट किसको मिलेगा, मैं तो चाहूंगी कि सारे लोग हमें वोट करें, अगर मुसलमान सुरक्षित रहा है तो हमारे राज्य में हर जगह पे सुरक्षित रहा। लेकिन उमा जी, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, अखिलेश यादव हो गए या जैन चौधरी हो गए, ये हमेशा से आरोप लगाते रहे कि बीजेपी धर्म के आधार पर या राष्ट्रवाद के आधार पर ही वोट करती है, आरोप ये भी है कि विकास के मुद्दे नदारद है, ये किसने शुरुआत की है, किसने ये बातें करी, हमने तो नहीं करी, अब जब वो करेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे।
मोदी जी ने पहली बार दुनिया में भारत में बाजी पलट दी 2014 में विकास के मुद्दे पर चुनाव हुआ है, नहीं तो इसके पहले हमेशा सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म यही अगर आपको स्मरण हो तो यही चुनाव होता था। इस बार भी विकास ही हमारा मुख्य मुद्दा है, लेकिन अगर कोई सवाल करेगा तो हम जवाब देंगे ना। और हम राम के नाम को सांप्रदायिक नहीं मानते, क्योंकि राम राष्ट्र के पूर्वज हैं, राष्ट्र की पहचान है, राष्ट्र की आन बान और शान है, और वो सबकी आन बान और शान है। हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क क्या है? हिंदू तो एक फिलॉसफी है और हिंदू एक पहचान है उस फिलॉसफी को पालन करने वाले की। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना, उन्हें दोनों ही बातें पता नहीं हैं। ये अधिकतर राहुल जी कहते हैं, राहुल के दादा थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा था आई एम ए हिंदू बाई एक्सीडेंट। तो जो ये मानता हो कि मैं दुर्घटना से ही हिंदू हूँ, तो उसको ना हिंदुत्व तो समझ में आएगा ना हिंदू। हिंदू वो व्यक्ति है जो हिंदुत्व का पालन कर रहा है, और हिंदुत्व वो फिलॉसफी है जो ये कह रही है वसुधैव कुटुंबकम, और जो ये कह रही है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है और लगभग हर वर्गों पर फोकस किया है, लेकिन किसानों के मुद्दे पे ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, तो क्या ये माने कि नाराज किसानों को मनाने की कोशिश है? किसान आंदोलन के पहले भी हमने किसानों के हित में निर्णय लिए हैं, लैंड एक्विजिशन के समय पर भी हमने जो निर्णय लिया उससे बाकी वर्गों को बहुत नाराजगी भी हुई कि अब तो हमें काम करना मुश्किल पड़ेगा। तो हमने पहले भी हम किसानों के हित में हम निर्णय लेते रहे हैं। किसानों की चिंता करने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं बाबू कल्याण सिंह जी थे। गन्ना किसानों का जिस प्रकार से भुगतान किया गया, ये इसके पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। कृषि के मामले में मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार ने जिस प्रकार की उछाल मारी है वो अपने आप में रिकॉर्ड है। मतलब हम 16% से सीधे 40% पर पहुँच गए, वो स्थिति बनी। हम तो पहले से भी ये काम करते रहे हैं। किसान आंदोलन से तो ये जरूर हुआ है कि पूरे देश के जो किसान हैं उनको अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर के लड़ने की एक शक्ति उनके अंदर आई है, नहीं तो इसके पहले किसान आंदोलन में फूट पड़ जाती थी। वो चीज़ एक अच्छी रही कि उनने इस चीज़ को मेंटेन रखा। बाकी हमने अपने मैनिफेस्टो को उनसे इन्फ्लुएंस होकर नहीं किया, हम हमेशा से किसान और भगवान दो पर विश्वास करते रहे हैं। और प्रियंका, घोषणा पत्र में महिलाओं के मुद्दे पर खास जोर दिया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अकार्ड निकालने की कोशिश की गई है? वो अपना अस्तित्व यहाँ नहीं बना पाई हैं, ये मीडिया का सर्वे भी कह रहा है। आप खुद ध्यान, ये तो मोदी जी और योगी जी के ध्यान में रहता है। आपको आप याद करिए, रक्षाबंधन के समय पे फ्री में उन्होंने बसें चला दी थी ताकि लड़कियां भाइयों को राखी बांधने के लिए जाएं। भारत में आज तक जो भी सरकार बनती थी केंद्र में, उसमें महिलाओं को टूरिज्म, कल्चर, बाल विकास, मतलब पंजीरी बनाओ, साड़ियाँ पहन के घूमो। अब पहली बार हुआ डिफेंस मिला, फाइनेंस मिला, कॉमर्स मिला, मुझे जल संसाधन मिला, मानव संसाधन मिला। मोदी जी तो नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में स्वाभाविक विश्वास रखते हैं। एक सवाल और, गुरमीत राम रहीम को जो फरलो मिली है, क्या इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाए? गुरमीत राम रहीम, उनको फरलो मिली है अभी, क्या इसको राजनीति? फरलो पैरोल पर बाहर आए हैं, कुछ जब टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दी जाती है तो उसको फरलो कहा जाता है, तो फरलो पर वो बाहर आए हैं, क्या इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाए और क्या ये चुनाव पर इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक वो प्रभावित करते थे? हम कभी भी जुडिशरी को प्रभावित नहीं कर सकते, इसलिए हम कभी नहीं इसको कहेंगे कि हमारे कहने पे ऐसा हुआ या हमारी इच्छा से हुआ। वोट बैंक को प्रभावित करेंगे? नहीं नहीं, न्यायपालिका स्वतंत्र है ना अपने डिसीजन करने के लिए, और ये डिसीजन न्यायपालिका का है, हम नहीं कहेंगे कभी कि हम ऐसा। एक आखिरी सवाल ये कि पश्चिम में जो किसान है और मुस्लिम वोटर है, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो पूरे हिंदुस्तान को संदेश देना चाहूँगी कि भाजपा के राज में पूरा देश सुरक्षित है, भाजपा के राज में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, और इसको बनाए रखिए। मोदी और योगी की सरकारों को अजर और अमर होने का वरदान दीजिए। कितनी सीटें आएंगी आपकी बार? आपको फिर मैं वो बोलूँ जैसे मैं पहले वाला नहीं बता पाती हूँ ना, मैं ये भी कभी नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि हम तो हर सीट पर जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं, तो हम बाकी सीटें क्या हारने के लिए लड़ रहे हैं? हम कहेंगे कि हम सब जगह जीतना चाहते हैं, तो लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं सब जगह पर। तो आपने कहा कि सपा का सफाया हो जाएगा, 300+ माने? मैं तो संख्या कभी नहीं बोलती, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि सपा, बसपा, कांग्रेस अब मध्य उत्तर प्रदेश के नक्शे से गायब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बीच हमारे साथ उमा भारती, जो कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो मौजूद थी, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आपकी बार चुनाव ऐसा होगा कि सपा, बसपा और आरएलडी सबका एक मुश्त सफाया हो जाएगा। कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला के साथ अंकिता दुबे, टीवी 9।